हेलो एवरीवन वेलकम टू राज आई स्टडी ग्रुप माय नेम इज हरजीत कौर एंड आई एम योर रीजनिंग ट्यूटर हाउ आर यू कैसे हैं आप सब इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस सिलोजिज्म क्वेश्चंस दैट वाज आस्क्ड इन सीसेट 2021 as you have seen earlier we have discussed the syllogism that was asked in csat 2022 now we have moved to csat 2021 syllogism is very interesting and scoring topic every year two or three questions have been asked from this topic so let's check the question that was asked in the paper and let's then discuss our concept Let's check the first question. In this question, we have two statements and four conclusions. And the question is which of the following is correct? We have to tell which conclusion is correct from the statement. Let's check the second one. The second question is we have given three statements and two conclusions. Again, the question is which of the following is correct? Let's move to the next question that was asked in the paper the question is we have given three statements and we have two conclusions we have to tell which conclusion is true so let's move to the concept first in syllogism we have statements and conclusion is statement and conclusion in this we have to make the statements we have to make statements we have to draw the venn diagram of statements and from this diagram, we have to tell which conclusion is true or false. Okay, from statements, we have to tell which conclusion is true and false. Conclusions are of two types: surety and possibility. We have to check either this is the case of surety or this is the case of possibility. In, in conclusion, we have the words is and are. In conclusion, we have the words is and are. So it is the case of surety.

ठीक है ईच एंड एवरी कंक्लूजन इज ट्रू पर मुझे कुछ कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे देन इन श्योरिटी वी हैव नो एजम्पन नो एजम्पन अगर मुझे गिवन है सम क्लासेस पास अगर मुझे गिवन है सम क्लासेस पास तो मुझे बस इतना ही याद रखना है सम क्लासेस पास तो दिस इज तो मैंने ये नहीं सोचना कि जो रिमेनिंग क्लास है वो फेल है अगर मैं ऐसे सोचूंगी तो मेरे कंक्लूजन क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे तो इन श्योरिटी नो एज्शन ठीक है आपने एजम्पन नहीं करना जो गिवन है बस उतना ही तो लेट्स मूव टू द्वेश्चन द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वॉज आस्ट इन पेपर इज दिस

कंक्लूजन इज सम ब्लैक दैट इज फॉल्स क्योंकि मुझे उसकी श्योरिटी नहीं है क्लियर जी तो आपको एक चीज और याद रखनी है जो मेरी स्टेटमेंट है अगर वही कंक्लूजन में आ गई तो दैट इज फॉल्स अब जैसे कि मेरी स्टेटमेंट है सम ग्रीन आर ब्लू कंक्लूजन में भी यही आ गया समीन आर ब्लू तो उसको क्या करेंगे फॉल्स करेंगे क्योंकि जैसे कि चैप्टर का नाम ही बता रहा है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ठीक है तो मुझे बताना है कि स्टेटमेंट से क्या चीज कंक्लूड हो रही है स्टेटमेंट से क्या चीज डिराइव हो रही है वी हैव टू टेल दिस ठीक है तो जो स्टेटमेंट है वही कंक्लूजन में आ गया दैट इज रॉन्ग तो अगर इसको चेंज करके आ रहा है सम ब्लू आर ग्रीन तो वो मेरी स्टेटमेंट नहीं है तो दैट इज ट्रू सम ब्लैक आर ब्लू ट इज नॉट ए स्टेटमेंट तो वो ट्रू है पर अगर इसका और इसका सम आ गया ऑल आ गया तो क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा क्लियर जी तो लेट्स चेक द कंक्लूजन फर्स्ट कंक्लूजन इज सम सम्रीन्स आर ब्लैक तो सम ग्रीन आर ब्लैक आर आर मीन्स श्योरिटी ठीक है तो मुझे दिखना चाहिए सम ग्रीन आर ब्लैक मीन्स दिस टाइप तो क्या मुझे ये चीज दिख रही है नहीं दिख रही तो दैट इज फॉल्स कंक्लूजन सो फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉल्स सेकेंड इज नो ग्रीन इज ब्लैक सो नो ग्रीन इज ब्लैक मीन्स नो ग्रीन इज ब्लैक अब मुझे ग्रीन और ब्लैक में क्रॉस चाहिए अगर मुझे इसको ट्रू करना है अगर मुझे इसको ट्रू करना है तो मेरी स्टेटमेंट में कुछ इस तरह होना चाहिए क्रॉस बना होना चाहिए तो वो मुझे नहीं दिख रहा तो क्या हो जाएगा फॉल्स अब आपको एक चीज का याद रखना है अगर मेरी स्टेटमेंट्स इफ माई स्टेटमेंट आर ऑल पॉजिटिव स्टेटमेंट्स पॉजिटिव मींस नो नेगेटिव नो नॉट नॉट आई आई नी तो ऑल स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव तो मेरे कंक्लूजन भी क्या ट्रू होंगे पॉजिटिव नेगेटिव कंक्लूजन आर फॉल्स क्लियर अब देखो इस स्टेटमेंट में पॉजिटिव है नो नेगेटिव नो 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 वर्ड तो आया ही नहीं तो नेगेटिव कंक्लूजन देख के ही क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं ऑल ग्रीन आर ब्लैक तो ऑल ग्रीन आर ब्लैक तो ऑल ग्रीन आर ब्लैक नहीं दिख रहा मुझे अगेन फॉल्स ऑल ग्रीन आर ब्लैक मीन्स इस तरह से डायग्राम तो नहीं दिख रहा फोर्थ वन इज ऑल ब्लैक आर ग्रीन तो ऑल ब्लैक आर ग्रीन वो भी नहीं दिख रहा तो अगेन दिस इज फॉल्स तो चारों के चारों गलत हो गए तो so, इस केस में मेरा आंसर क्या आ जाएगा डी ऑप्शन नीदर वन नीदर टू नीदर थ्री नीदर फोर क्लियर जी अगर यहां पर ईदर वन और टू या कोई और ऑप्शन होती तो हम ईदर पेयर भी चेक करते वी डोंट हैव एनी ऑप्शन ऑफ ईदर पेयर ठीक है So answer is neither one, neither two, neither three, and neither four. So let's move to the next question. The question is: Some cats are almiras. So we have to make diagram like this. Some cats are almiras. Some almiras are chairs. All chairs are tables. So this is chairs. So all chairs are table.

अलमीरा so, किसके अंदर आ रही है चेयर्स के अंदर आ रही है तो ये अलमीरा किसके अंदर आ रही है टेबल के अंदर आ रही है तो सम अलमीराज आर टेबल फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू नेक्स्ट इज बी चेयर्स मे मे मतलब पॉसिबिलिटी ठीक है मे मतलब पॉसिबिलिटी सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स तो अब देखिए पॉसिबिलिटी में क्या होता है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता तो ये कैट्स या ये वाली कैट्स मे बी चेयर्स तो भी ट्रू मे नॉट बी चेयर्स तो भी ट्रू क्यों क्योंकि मुझे कैट्स और चेयर्स में अभी कोई रिलेशन नहीं दिख रहा अभी कोई रिलेशन नहीं दिख रहा पर फ्यूचर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता तो अगर मे बी ट्रू आएगा तो भी करेक्ट मे नॉट बी ट्रू आ गया तो भी करेक्ट क्लियर तो इसमें मेरा आंसर क्या आ गया बोथ वन एंड टू सो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी

सम रेडियोज आर वॉचिज सो हेयर इट इज रेडियो सो सम रेडियोज आर दिस सम रेडियोज आर कंप्यूटर्स पर सम रेडियोज आर वॉचिज इसकी श्योरिटी नहीं है सम की श्योरिटी कब होती है जब बिल्कुल साथ साथ होता है तो सम रेडियोज आर यहाँ तक ट्रू है और ये भी ट्रू है पर इसके अंदर आ रहा है दैट इज नॉट ट्रू फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉल्स सम मोबाइल्स आर वॉचिज सम मोबाइल्स आर वॉचिज इसकी भी श्योरिटी नहीं है ठीक है अब इसका हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं राम इज इन क्लास क्लास के कुछ बच्चे पास हुए सेम डायग्राम दिस दिस एंड दिस राम इज पास इज मतलब श्योरिटी क्या आपको दिख रहा है राम इज पास नो ठीक है मुझे पता है क्लास के कुछ बच्चे पास हुए वी हैव सो मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास क्लास के कुछ बच्चे पास हुए तो इसमें राम आ रहा है वी डोंट नो Or R means, surety. हमें श्योर sure होना चाहिए ठीक है तो मुझे नहीं पता कि यह इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा तो मुझे इसकी श्योरिटी भी नहीं है तो इसकी ऑटोमेटिकली नहीं है तो मेरे बोथ कंक्लूजन क्या हो गए गलत हो गए तो इट मीन आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नीदर वन नीदर टू लेट चेक दिस सिमिलर क्वेश्चन These are the three questions that was asked in CSAT 2021. That these questions are very easy and doable. You can score good marks if you do these questions. So let's check the similar questions. The statement says some books are poetry. So some books are poetry. All poetry are philosophy. So this is philosophy. I put H here. Some philosophy is psychology. Some philosophy is psychology. ठीक है सेम डायग्राम एज द प्रीवियस वन सम बुक्स आर फिलॉसफी तो सम बुक्स आर फिलोसफी तो ये बुक्स इसके अंदर और ये सारा इसके अंदर तो सम बुक्स आर फिलॉसफी दैट इज ट्रू सम साइकोलॉजी इज नॉट फिलॉसफी अब देखिए मेरे कंक्लूजन में क्या आ गया नॉट स्टेटमेंट्स पॉजिटिव ऑल स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव देयर इज नो क्रॉस इन द डायग्राम देयर इज नो क्रॉस इन द डायग्राम सो यहां पर नॉट क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा इज नॉट इज नॉट मतलब श्योरिटी अगर मुझे इसको ट्रू करना है तो मेरे डायग्राम में कुछ इस तरह बना होना चाहिए तो जो मेरे डायग्राम में मिसिंग है ठीक है तो जब भी इज नॉट आएगा कंक्लूजन में वो तभी ट्रू होगा इन इफ इन स्टेटमेंट्स वी हैव नो स्टेटमेंट ऑल्सो अब मेरे पास कोई नो स्टेटमेंट नहीं है सारी पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी क्या ट्रू होने के चांसेस ओनली पॉजिटिव कंक्लूजन क्लियर जी सो आंसर इज ऑप्शन नंबर वन की कंक्लूजन वन फॉलोज बट सेकेंड डज नॉट फॉलोज तो लेट्स मूव टू दास्ट क्वेश्चन एंड सिमिलर क्वेश्चन ऑल लेंटन आर वॉल्स No wall is break. Some brick are chairs. So this is the diagram. So let's check the uh, conclusion. First is some chairs are lantern. Some chairs are lantern. These are far away. Some chairs are lantern means this type. क्या हमें दिख रहा है नहीं दिख रहा तो दैट इज फॉल्स इनश्योरिटी हमें दिखना चाहिए ठीक है अगर मेरे कंक्लूजन में आर वर्ड आ गया इज वर्ड आ गया तो मुझे क्या होना चाहिए वो दिखनी चाहिए चीज ठीक है जो मुझसे पूछा है तो दिस टाइप ऑफ डायग्राम यहां नहीं दिख रहा तो दैट इज फॉल्स नेक्स्ट इज सम सम ब्रिक्स ब्रिक्स आर आर सम्रिक्स तो अगेन दिस टाइप ये भी नहीं दिख रहा तो दिस इज फॉल्स नेक्स्ट इज नो चेयर इज लेंटन नो चेयर इज लेंटन अब देखिए मुझे क्या बोला है ब्रिक्स ये नहीं है तो ब्रिक्स ये नहीं है तो ब्रिक्स लेंटन भी नहीं है तो चेयर लेंटन के लिए मुझे यहां पर क्रॉस दिखना चाहिए तो वो भी नहीं दिख रहा तो अब इसमें मेरा क्या आ जाएगा तीनों ग्रॉन्ग आ गए तीनों रॉन्ग आ गए अब तीनों गलत हो गया अब देखिए मेरे पास एक ईदर वाला कंक्लूजन भी है तो अब मुझे ईदर वाला कंक्लूजन भी चेक करना है अब ईदर वाला कंक्लूजन कब बनता है अब देखिए इधर वाला कंक्लूजन कब बनता है जब मेरे कंक्लूजन एक से ज्यादा रॉन्ग हो मोर देन वन कंक्लूजन इज रॉन्ग फर्स्ट प्रॉपर्टी मोर देन वन कंक्लूजन इज रॉन्ग जो गलत वाले हैं उनमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होना चाहिए सेम ये देखिए चेयर्स लेंटन चेयर्स लेंटन ठीक है फर्स्ट और थर्ड में सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या आ गए सेम आ गए वन इज पॉजिटिव कंक्लूजन एंड अदर वन इज नेगेटिव एक पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए और एक नेगेटिव पॉजिटिव मींस नो नो वर्ड नहीं है नेगेटिव मींस नो वर्ड आ रहा है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव और दोनों में से एक में क्या होना वर्ड होना चाहिए सम होना चाहिए तो ये सम आ गया तो इसमें मेरा क्या बन गया आइदर वन so और थ्री सोरे ऑप्शन इज सी ऑप्शन ठीक है आइदर वन और थ्री क्यू मुझे ये भी नहीं दिख रहा सम चेयर आर लेंटेंस मुझे नो चेयर इज लेंटन भी नहीं दिख रहा पर इन दोनों में से एक सही होगा ठीक है पर कौन सा है आई डोंट नो ठीक है वी डोंट नो तो जब भी ईदर वाली ऑप्शन होती है अगेन प्लीज चेक दी ईदर पेयर अब मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बनाती हूं राम इज पास ये मेरा कंक्लूजन इज रॉन्ग राम इज नॉट पास दिस कंक्लूजन इज ऑल्सो रॉन्ग माई तो क्या मैं इन दोनों को गलत कर सकती हूं नहीं एक कंक्लूजन तो ट्रू होगा या तो ये होगा या होगा या तो राम पास होगा या राम फेल होगा तो इन दोनों में से एक तो सही होगा ही होगा ठीक है अगर मैं बोलूं ये सही है तो यह गलत हो जाएगा ये सही है तो यह गलत होगा मतलब दोनों सही नहीं होंगे दोनों में से एक पर मेरे डायग्राम में नहीं दिख रहा तो डायग्राम में नहीं दिख रहा तो मैं इन दोनों को गलत नहीं करूंगी आई विल चेक ईदर पेयर तो इस केस में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो इस केस में क्या आ जाएगा इधर वन और टू क्लियर जी तो ईदर पेयर आपको कब चेक करना है व्हेन वी हैव इन कंक्लूजन मोर देन वन कंक्लूजन इज रॉन्ग मोर देन वन कंक्लूजन इज रॉन्ग ठीक है उनके सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं तो जिनके सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम आ रहे हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है और दोनों में से एक में क्या आ रहा है सम आ रहा है तो उस केस में आप उसको गलत नहीं मानोगे उस केस में हम उसको क्या मानेंगे ईदर पेयर ईधर दिस और दिस सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल लाइक एंड शेयर आर वीडियो